Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 31st December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Gram Nyalayas Act 2008. And this topic is important from our syllabus, paper 3, governance point of view. सबसे पहले समझते हैं कि ये ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से. तो देखिए, हमारे देश में एक्सेसिबिलिटी टू जुडिशियरी इज अ मेजर इशू. एक्सेसिबिलिटी टू जुडिशियरी का मतलब लोगों के तरफ के लिए न्याय पहुंच पाना, लोगों के तरफ न्याय पहुंच पाना, ये एक मेजर कंसर्न है, मेजर इशूज है. न्याय पहुंच पाने का मतलब कि गांव में रहने वाले, इंटीरियर साइड में रहने वाले लोगों को जो लीगल प्रोसेसेस हैं, जैसे हमारे कोर्ट हैं, उसके अंदर जो उनके डिस्प्यूट्स को लेना और उसको रिजॉल्व करना एक मेजर इशू है. और इसके पीछे दो कारण हैं. जो गाँव का एरिया है वो वहाँ के लोगों को शहरों में जाना पड़ता है अगर उनको कोई एक लीगल डिस्प्यूट रेज करना है, तो डिस्टेंस एक मेजर कंसर्न है. और दूसरा है कॉस्ट ऑफ जस्टिस. गांव के लोगों के पास इन जनरल उतना कैपेबिलिटी नहीं होता, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, और लीगल जो जुडिशियल सिस्टम्स हैं उसमें लॉयर्स को हायर करना पड़ता है. तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ जस्टिस है दैट इज़ हाई इन इंडिया, एंड दैट इज़ व्हाई जुडिशियरी और द जस्टिस इज लेस एक्सेसिबल टू द पीपल लिविंग इन रिमोट एरिया, स्पेशली द रूरल एरियाज. तो ये एक मेजर कंसर्न है. और इस कारण से होता क्या है कि अगर गांव में कोई डिस्प्यूट हो गया, चाहे कोई सिविल डिस्प्यूट या इवन क्रिमिनल इश्यूज भी हो गए, तो भी वहाँ के लोग जुडिशियल सिस्टम को अप्रोच नहीं करते हैं, कोर्ट कचहरी में नहीं जाते हैं, और दे रिजॉल्व टू देयर इंडिजीनस ट्रेडिशनल सिस्टम नोन एज पंच प्रमुख सिस्टम. आपने भी सुन रखा होगा, गाँव के पाँच लोगों को बुलाया, उनको पंच प्रमुख बना दिया, और जो भी डिस्प्यूट हैं उनको बता दिया और बोला कि अब आप जो फैसला करेंगे वो हम सब मानेंगे. तो इस तरीके से पंच प्रमुख सिस्टम इज स्टिल वेरी पॉपुलर इन इंडिया, एटलीस्ट इन द रिमोट एरियाज, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व सम पिटी इशूज. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पंच प्रमुख का सिस्टम है, ये कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी से या फिर बाकी रिलीजियस आइडेंटिटी से इंस्पायर्ड हो जाता है बहुत बार. और इस कारण से होता क्या है कि इट लीड्स टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. जो पंच प्रमुख भी हैं, अब देखो, दे आर नॉट वेल ट्रेंड इन डिलीवरिंग जस्टिस. दे आर ऑल्सो, देयर माइंड इज ऑल्सो कलर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. दे ऑल्सो हैव सर्टेन प्रीडिस्पोजिशंस, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो उसके प्रति उनका एक इंक्लिनेशन होगा. तो इस कारण से प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पाती ऑन द साउंड बेसिस. तो पंच प्रमुख का सिस्टम जो है, इस तरीके से वो जस्टिस को डिलीवर नहीं कर पाता. दैट इज an informal mode of delivering justice in the rural areas, and that also many times fail in ensuring justice. It leads to miscarriage of justice. और यही सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए फिर हमारे लॉ कमीशन ने 2008 में इन इट्स 114th रिपोर्ट रिकमेंड किया कि जब गाँव में पंच प्रमुख का सिस्टम है ही, तो क्यों ना इसको फॉर्मलाइज कर दिया जाए, क्यों ना गाँव में ही हम लोग लोकल कोर्ट्स बना दें जिसको नाम दिया जाए ग्राम न्यायालय. एंड दीज ग्राम न्यायालय विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्पीडी, सब्सटैंशियल एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस. और इस रिकमेंडेशन के बाद, लॉ कमीशन के इस रिकमेंडेशन के बाद, फिर हमारे पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश ग्राम न्यायालय. तो गाँव में पंच प्रमुख का सिस्टम था, उसके जगह पर ग्राम न्यायालय, इस तरह के फॉर्मल कोर्ट्स बनाने शुरू किए गए अकॉर्डिंग टू ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008, इन ऑर्डर टू एंश्योर जस्टिस इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया. तो ग्राम न्यायालय का जरा सा कॉम्पोजिशन समझ लेते हैं. ग्राम न्यायालय इज प्रोसाइडेड बाय अ न्याय अधिकारी. तो जिस तरीके से कोर्ट में जजेज होते हैं, ग्राम न्यायालय के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको हम लोग कहते हैं न्याय अधिकारी. द न्याय अधिकारी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, एंड ग्राम न्यायालय विल बी एस्टैब्लिश्ड. ऐसा लिखा गया है ग्राम न्यायालय एक्ट में कि ग्राम न्यायालय विल बी एस्टैब्लिश्ड
एट एवरी पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। तो आपको पता है, आपने पंचायती राज सिस्टम अगर पढ़ रखा होगा तो देयर इज थ्री टीयर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। एक तो बिल्कुल ग्राम पंचायत लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जो ब्लॉक लेवल पे ग्राम न्यायालय बनाए जाएंगे, ऐसा ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में कहा गया है। ग्राम न्यायालय के ज्यूरिडिक्शन क्या होंगे, मतलब पावर क्या होंगे, वो भी जरा देखते हैं। तो पावर एज सच ग्राम न्यायालय एक्ट में नहीं डिफाइन किया गया है। लिखा गया है ग्राम न्यायालय एक्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट विल डिसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ ग्राम न्यायालय। तो अलग अलग स्टेट की सरकारें वहां की हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ग्राम न्यायालय के पावर ज्यूरिडिक्शन को डिसाइड करेंगी। ग्राम न्यायालय वेयर अलाउड टू हैव अ मोबाइल कोर्ट ऑल्सो। तो एक वैन वगैरह में इस तरह से ग्राम न्यायालय भी लग जाता है, वैन में बैठते हैं न्यायाधिकारी और अलग अलग गांव में जाकर के वो मोबाइल कोर्ट भी लगा सकते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ग्राम न्यायालय कैन टेक बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस एंड ग्राम न्यायालय आर नॉट बाउंड बाई इंडियन एविडेंस एक्ट। इट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट सम ऑफ द एविडेंसेज दैट आर इन जनरल नॉट अलाउड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस पॉइंट को भी जरा समझ लो, हो सकता है पीटी में पूछ ले। इंडियन एविडेंस एक्ट एक कानून है, इस कानून में साफ साफ बताया गया है कि कोर्ट के अंदर किस किस तरह के एविडेंस और माने जाएंगे एज अ फॉर्मल और लीगल एविडेंस। इसको मैं समझाने के लिए और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने जॉली एलएलबी मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे एक ही जो उसमें जो प्रोटेगनिस्ट है वो जा करके जज के सामने दिखाता है कि ये सर देखिए, इस दिन अखबार में छपा था कि ये आदमी क्रिमिनल है, इस दिन अखबार में ये छपा था कि ये आदमी क्रिमिनल है। तो जज ने उसको फटकार लगाई थी, जज ने कहा था कि सुनो, तुम्हें क्या ये नहीं पता कि जो अखबारों में जो रिपोर्ट छपते हैं दे आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो मतलब कोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एविडेंस की तरह मानी जाएंगी, एक प्रॉपर कानून है उसके लिए। कोई भी चीज़ एविडेंस की तरह नहीं मानी जा सकती अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन ग्राम न्यायालय के अंदर वो सारी चीज़ें भी एविडेंस की तरह ली जा सकती हैं, दैट इज़ द पॉइंट। तो ग्राम न्यायालय आर नॉट बाउंड बाई इंडियन एविडेंस एक्ट, ग्राम न्यायालय आर दे वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ग्राम न्यायालय जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक फॉर्मल कोर्ट में होती हैं वो ग्राम न्यायालय को फॉलो नहीं करना पड़ता है। दे आर नॉट बाउंड बाई सर्टेन प्रोसीजर्स, दे आर गाइडेड बाई नेचुरल जस्टिस। ग्राम न्यायालय में जो भी फैसला हुआ उसके अगेंस्ट अपील किया जा सकता है। अगर वो सिविल केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर वो क्रिमिनल केस है तो उसी डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट में अपील किया जा सकता है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ग्राम न्यायालय। अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द ग्राम न्यायालय। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ इन्फोर्समेंट। कई सारे स्टेट ने तो ग्राम न्यायालय बनाए ही नहीं, भारत सरकार ने कानून बना दिया ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 और बाकी सारे स्टेट्स को डायरेक्शन दे दिए कि आप इस हिसाब से ग्राम न्यायालय बनाएं, लेकिन स्टेट्स ने बनाया ही नहीं। बस ऐसे 9 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने नोटिफाई किया कि हम ग्राम न्यायालय बनाएंगे, और रियल सेंस में उसमें से भी बस 4 ने एक्चुअल में फंक्शनल कोर्ट्स बनाए हैं, बाकी सब ने तो बनाया भी नहीं है। ये तो आप देख सकते हैं, गिने चुने ऐसे स्टेट गवर्नमेंट हैं जिन्होंने सच में ग्राम न्यायालय बनाए हैं। असम के अंदर भी नहीं है ग्राम न्यायालय, एक भी ग्राम न्यायालय फंक्शनल नहीं। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम हैज़ नॉट इवन नोटिफाइड कि ग्राम न्यायालय वो अपने यहाँ बनाएंगे। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट। बना तो दिया हमने कानून, इन्फोर्स नहीं हो रहा है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे भी ग्राम न्यायालय एक्ट को इन्फोर्स भी किया जा रहा है वहाँ पे भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना बिल्डिंग है, ना ऑफिस स्पेस है, ना मैन पावर है। बस न्यायाधीश जाते हैं, न्यायाधिकारी जाते हैं, ना उनके लिए कोई प्यून है, ना कोई ऑफिस स्टाफ है। तो ये सब प्रॉब्लम है। इल डिफाइंड ज्यूरिडिक्शन, एक्चुअल में क्या पावर है एक नया अधिकारी का अंडर ग्राम न्यायालय, उसको खुद ही नहीं पता होता है, क्योंकि जो भी पेटी इशूज़ हैं, लेबर इशूज़, फैमिली इशूज़ या डिवोर्स वगैरह के इशूज़, सब कुछ के लिए तो स्पेशल कोर्ट्स हैं, जैसे लेबर कोर्ट्स है, फैमिली कोर्ट है। तो अब एक न्याय अधिकारी को ग्राम न्यायालय के अंदर पता ही नहीं होता कि उसके क्या अधिकार हैं, उसके क्या पावर हैं। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स कहती हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं है अलग अलग जगहों पे ब्लॉक लेवल पे ग्राम न्यायालय कॉन्स्टिट्यूट करने का। सो दीज आर सम चैलेंजेज, और इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले देयर शुड बी अ वेल डिफाइंड स्पेसिफिक ज्यूरिडिक्शन ऑफ ग्राम न्यायालय कि उनके क्या पावर हैं। देयर शुड बी नो एम्बिग्विटीज, देयर शुड बी रेगुलर कैडर, मतलब उनकी एक अपनी मैन पावर होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स होनी चाहिए ग्राम न्यायाधिकारी के अंदर, उनका अपना प्यून, उनका अपना ऑफिस स्टाफ। द प्रोसेस शुड बी सिंप्लीफाइड, जो भी ग्राम न्यायालय का प्रोसेस है वो लोकल लैंग्वेजेज में होने चाहिए, तभी तो जाकर के लोकल लोग ग्राम न्यायालय के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। गाँव के लोगों के अंदर अवेयर
अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या कि ग्राम न्यायालय बनाने के बाद भी लोग अभी भी पंच प्रमुख वाले सिस्टम में ज़्यादा भरोसा करते हैं। उसके अलावा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, बिल्डिंग बनानी चाहिए, उनको ऑफिसेज देनी चाहिए। सो दीज आर सम सॉल्यूशंस आप आज इट इज़ एग्जाम में लिख सकते हो। आज का ये आर्टिकल ग्राम न्यायालय पे क्यों आया है इसको भी जरा देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है अब हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपने अपने स्टेट के अंदर ग्राम न्यायालय बनाएं। इस कारण से ये आर्टिकल आया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द स्टेट्स विच आर येट टू कम आउट विथ नोटिफिकेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग ग्राम न्यायालय टू डू सो विद इन 4 weeks एंड आस्ट the high courts to expedite the process of consultation with state governments on this issue। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपने स्टेट में ग्राम न्यायालय बनाएं विद इन 4 weeks, और हाई कोर्ट्स को दे बोला है कि आप सर्विलेंस करें, एक्सपेडाइट करें कि ग्राम न्यायालय सच में बन रहे हैं या नहीं। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ग्राम न्यायालय पे 2016 के यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। इसका जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट है, इस पे आप अपना थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस करके भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ये दूसरा ऑप्शन मैंने डिस्कस नहीं किया है, आई डिलिबरेटली लेफ्ट इट। आप इसको गेस कीजिए, गेस वर्क की तरह लीजिए, क्योंकि कभी कभार यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट गेस भी करना होता है। सो डू दैट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट टॉक्स अबाउट अर्जेंटीनास न्यू अबॉर्शन लॉ। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 5, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले देखते हैं करंट न्यूज़ क्या है। अर्जेंटीना की कांग्रेस ने, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट ने, एक नया कानून बनाया है जिसके हिसाब से अब अबॉर्शन लीगलाइज हो गया है। तो 14 वीक तक अगर कोई वीमेन अबॉर्शन मतलब प्रेग्नेंट है, मतलब प्रेगनेंसी के उसके 14 वीक्स तक पूरे हो गए तब तक वो अबॉर्शन को रिजॉर्ट कर सकती है। उसके बाद अबॉर्शन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि उसके केस में 14 वीक से ज़्यादा के अबॉर्शन के बाद हो सकता है कि जो वीमेन है उसके सर्वाइवल पे भी थ्रेट हो जाए। तो 14 वीक तक का अबॉर्शन अलाउ किया गया। अलग अलग देशों में ये अलग अलग लिमिटेशन है। इंडिया में जैसे 20 वीक है, हम आगे अभी देखेंगे। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ। इसके पहले तक कई सारे ऐसे देश थे दुनिया में जहाँ पे अबॉर्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। चाहे अगर वुमन प्रेग्नेंट हो गई तो सी वॉज forced to bear the child, she was not allowed to resort to the abortion। इसमें ethical concern क्या है, मैं क्यों इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। अर्जेंटीना ने लॉ बनाया तो बनाया, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे जरा समझिए। ऐसे पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, या फिर हम एथिक्स पेपर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें एथिकल सिग्निफिकेंस क्या है। The law identifies autonomy for women over their own bodies and control of their reproductive rights। जो भी दुनिया की ऐसी सरकारें हैं जो women को abortion के अधिकार provide नहीं करती हैं, वो एक तरीके से women के rights को restrict कर रही हैं on their own body, कि तुम्हें अपने body के ऊपर कितना अधिकार है वो भी control कर रही है वो state। तो it is an example of a totalitarian state where the state controls each and every dimension of your own life। और अभी भी दुनिया के ऐसे कई सारे देश हैं, देखो रेड कलर से दिखाया हमने, जहाँ पे अबॉर्शन इज़ कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। येलो कलर से उन सारे स्टेट्स को दिखाया गया जहाँ पे अबॉर्शन इज़ अलाउड बट विथ सम रिस्ट्रिक्शन, जैसे इंडिया भी उसी में आता है। लेकिन आप देखिएगा कि जो भी दुनिया के बैकवर्ड कंजर्वेटिव रेग्रेसिव स्टेट्स हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि अबॉर्शन इज़ नॉट अलाउड। और अबॉर्शन को अलाउ ना करना एक तरीके से फीमेल के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स ओवर हर ओन बॉडी को आइडेंटिफाई ना करना है। और आज के इस टाइम में, इस इन दिस 21st century, व्हेन द कंसर्न ऑफ ह्यूमन राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, वेयर देयर अवेयरनेस रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स हैव मूव्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके बावजूद भी दुनिया के ऐसे कई सारे देश हैं जो वीमेन को अलाउ नहीं करते हैं ऑन अबॉर्शन और टू गो फॉर अबॉर्शन। रिस्ट्रिक्शन ऑन अबॉर्शन इज अ पैट्रियार्कल लॉ। कभी भी कोई भी ऐसा देश अगर कानून बनाता है कि आप अबॉर्शन को रिजॉर्ट नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से पैट्रियार्कल माइंडसेट है। दिस इज डिनायल ऑफ ऑटोनोमी टू द वुमेन ऑन हर ओन बॉडी। आप देखें कि जितने भी लिबरल स्टेट्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव अलाउड अबॉर्शन। तो ये है एथिकल सिग्निफिकेंस। और अभी भी इस 21st century में भी ऐसे कई सारे देश हैं जो अबॉर्शन को अलाउ नहीं करते, यानी कि अभी भी वुमेन को बहुत कुछ अचीव करना, बहुत सारे देशों में बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। फॉरगेट अबाउट इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट,
फॉरगेट अबाउट इक्वालिटी इन पॉलिटिकल स्फेयर और सोशल स्फेयर. दे आर नॉट इवन अलाउड टू हैव डिसीजन मेकिंग राइट ऑन देयर ओन बॉडी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इस तरीके से आपको एसे में या एथिक्स पेपर में इस आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करना. उसके अलावा हेल्थ इशूज भी हैं. बहुत सारी ऐसे वुमेन होती हैं जो प्रेग्नेंट हो तो जाती हैं बट से दे आर नॉट फिजिकली स्टेबल और कैपेबल ऑफ बियरिंग ए चाइल्ड. फिर भी अबॉर्सन लॉ ना होने के कारण दे आर नॉट अलाउड टू गो फॉर अबॉर्सन और उस केस में फिर उनके हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये हेल्थ कंसर्न्स से भी अबॉर्सन लॉ होना चाहिए हर एक देश में जहाँ पर अबॉर्सन लीगल होना चाहिए. अब अगर इंडिया की बात करें सो इंडिया के अंदर अबॉर्सन लीगल है अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. बट अबॉर्सन शुड बी डन ओनली अंडर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मेडिकल प्रोवाइडर. तो एक मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर हो उसके देख रेख में ही अबॉर्सन किया जा सकता है. और हमारे देश में अबॉर्सन का टाइम लिमिट है 20 वीक्स. तो अगर कोई वुमेन 20 वीक तक के प्रेग्नेंट है तो वो अबॉर्सन के लिए रिजॉर्ट कर सकती है. उसके बाद अबॉर्सन अलाउड नहीं है क्योंकि उसके बाद फीटस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है और उस केस में अबॉर्सन कराने पे मदर और चाइल्ड दोनों के सर्वाइवल पे खतरा होता है. एबॉर्सन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है उसको जरा देख लेते हैं. इसी साल एक बिल प्रपोज किया गया था हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020. दिस बिल सीक्स टू अमेंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971. इसमें क्या कहा गया है कि कुछ एक सर्टेन कंडीशंस में, अभी ये बिल है अभी एक्ट बना नहीं है, लेकिन इस बिल में क्या बोला गया है कि कुछ एक सर्टेन कंडीशंस में अबॉर्सन शुड के जो लिमिट्स हैं दैट शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 20 वीक्स टू 24 वीक्स. सर्टेन कंडीशन जैसे कि रेप सर्वाइवर और डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड और डिफरेंटली एबल्ड वुमेन और माइनर्स. तो बहुत बार ऐसा होता है कि रेप सर्वाइवर जो होते हैं दे डू नॉट डिस्क्लोज बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा और टैबू दैट दे आर प्रेग्नेंट. और इस केस में बहुत लेट पता चलता है कि दे आर प्रेग्नेंट और सी इज प्रेग्नेंट. तो उस केस में इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये बिल प्रपोज कर रहा है कि जो टाइम लिमिट है फॉर अबॉर्सन उसको इंक्रीज करके 20 वीक्स से 24 वीक्स कर दी जाए. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट. इट टॉक्स अबाउट एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 4 इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली सब सेगमेंट बूस्ट टू एक्सपोर्ट. सो सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं. देखिए यूनियन कैबिनेट ने दैट वाज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज़ अप्रूव्ड एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल. आकाश मिसाइल को अब हम दुनिया भर के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करेंगे. आकाश हमने खुद ने बनाया, हमारे देश की कंपनी DRDO ने, डिफेंस कंपनी ने बनाया है. इट इज़ अबाउट मोर देन 90% ऑफ आकाश कॉम्पोनेंट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई DRDO, दैट इज इट इज इंडिजिनसली डेवलप्ड. अब जरा ये देखते हैं कि क्यों हमारे देश की सरकार ने अलाउ किया है या अप्रूव किया है टू एक्सपोर्ट आकाश मिसाइल. तो ऑफकोर्स इससे हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा. देखिए अभी तक इंडिया नेट और हेविली डिफेंस इक्विपमेंट्स को इम्पोर्ट करता रहा है. सो वी आर द लार्जेस्ट डिफेंस इम्पोर्टर अक्रॉस द वर्ल्ड. और हम इस चैलेंज से ऊपर उठना चाहते हैं क्योंकि डिफेंस इंपोर्ट के कारण हमारे ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट्स भी बढ़ जाते हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत ज़्यादा यूज होता है डिफेंस इंपोर्ट में. तो इसको ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने एक फ्रेमवर्क बनाई है, एक पॉलिसी बनाई है कि धीरे धीरे हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बूस्ट करेंगे. वी विल नो लॉन्गर रिमेन जस्ट इम्पोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, वी विल ऑल्सो एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि हम अब आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट करेंगे. इनफैक्ट हमारी सरकार ने इस साल एक ड्राफ्ट पॉलिसी भी लेकर के आई है, ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी. यह ड्राफ्ट इसलिए है क्योंकि इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है फॉर सजेशंस, अभी ये फाइनलाइज नहीं है. इस ड्राफ्ट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में. इस पॉलिसी में प्रपोज किया गया है कि बाय 2025 इंडिया विल बी एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स वर्थ $5 बिलियन. तो ये हमने टारगेट सेट किया है कि 2025 तक हम अपना डिफेंस एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके $5 बिलियन तक कर देंगे. मतलब हर साल कम से कम $5 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट हम खुद एक्सपोर्ट करेंगे. तो ये जो करेंट डेवलपमेंट है आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट का अप्रूवल देना, दिस कुड बी सीन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इटसेल्फ वेयर वी आर विलिंग टू अचीव द टारगेट ऑफ $5 बिलियन बाई 2025 रिगार्डिंग डिफेंस एक्सपोर्ट. अब आकाश मिसाइल के बारे में भी जरा समझ लेते हैं. आकाश इज सरफेस टू एयर मिसाइल. आप देख भी सकते हैं यहाँ से सरफेस से एयर में ये अटैक करता है और इसका रेंज लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है. इट इज़ मल्टी टारगेट इंगेजमेंट कैपेबिलिटी. तो एक साथ
कई सारे टारगेट्स को ये इंगेज कर सकता है। आकाश वाज पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। देखिए 1985 में इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट कराया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ और फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब। तो APJ अब्दुल कलाम साहब ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1985 में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था। उसके पहले इंडिया के पास कोई भी मिसाइल नहीं थे, वी हैवली डिपेंडेड ऑन द फॉरेन कंट्रीज फॉर मिसाइल टेक्नोलॉजी, और हमें कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी देने को भी तैयार नहीं था। तो इस कारण से फिर इंडिया ने अपनी खुद की मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए प्रोग्राम चलाया 1985 में। इंदिरा गांधी जी ने अब्दुल कलाम साहब को पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी कि अब आप मिसाइल डेवलप करो इंडिया के लिए। और फिर इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 5 तरह के मिसाइल्स बनाए गए। पहली है पृथ्वी, दैट इज सरफेस टू सरफेस एंड इट इज़ अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फिर आकाश, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ सरफेस टू एयर। फिर है नाग, इट इज़ एन एंटी टैंक मिसाइल, टैंक को उड़ाने के लिए नाग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है त्रिशूल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश जैसा ही है। और फिर है अग्नि, इट इज़ इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस। तो इस तरीके से ये 5 मिसाइल्स को डेवलप किया गया है अंडर दिस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ 1985। अब आकाश के अंदर भी नए नए वर्जन आ रहे हैं, आकाश MK1, आकाश MK2, इनकी एक्यूरेसी ओरिजिनल आकाश से थोड़ी ज़्यादा है। इन सबको डेवलप कर रहा है DRDO, जो हमारे देश की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। आकाश को लेकर के कंट्रोवर्सी भी रही है, उसको भी जरा देख लो। 2017 में CAG ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी रिगार्डिंग आकाश मिसाइल, जिसमें CAG ने कहा था कि 30% ऑफ द आकाश मिसाइल फेल्ड टू हिट द टारगेट व्हेन टेस्टेड। तो एक तरीके से DRDO के एफिशिएंसी पे और बजटरी एलोकेशन पे क्वेश्चन रेज किया था CAG ने 2017 में। तो आप अप्रोप्रिएटली इस इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आकाश मिसाइल पर सवाल आ जाए तो, या अगर CAG पे भी सवाल आ जाए तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट आर्सेनिक सेपरेशन सिस्टम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ काफ़ी सरल है। NIT सिल्चर एंड इट्स टीम ऑफ रिसर्चर हैव डेवलप्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी टू प्यूरीफाई टॉक्सिक वाटर विच कंटेंस आर्सेनिक। तो जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें आर्सेनिक कंटेंट होता है, और भी सारे कंटेंट हो सकते हैं, फ्लोराइड हो सकता है, ओवरऑल सैलिनिटी ज़्यादा हो सकती है। तो इन सब तरह की जो कंटेमिनेशन होते हैं उसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे हेल्थ पे। तो NIT सिल्चर की टीम ने एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसकी मदद से ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक कंटेमिनेशन को कम किया जा सकता है, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, क्योंकि असम और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम। अब जरा देखिए, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, ये सारे स्टेट्स हैं जहां पे आर्सेनिक कंटामिनेशन काफी ज्यादा है हमारे देश के अंदर। अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो असम के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आर्सेनिक कॉन्टामिनेशन का। देखो 65% पॉपुलेशन ऑफ आसाम इज अफेक्टेड बाई आर्सेनिक कॉन्टामिनेशन इन ग्राउंड वाटर, ये सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज। लेकिन अगर ओवरऑल नंबर वाइज बात की जाए तो लगभग 70 मिलियन पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश आर अफेक्टेड बाई ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन विथ आर्सेनिक। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन की बात की जाए कि कितना परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आसाम इज अफेक्ट ऑफ एनी स्टेट इज अफेक्टेड, तो उसमें सबसे आगे आसाम है। 65% पॉपुलेशन हमारे स्टेट की ऐसी है जो ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेटेड विथ आर्सेनिक के कारण अफेक्ट होती है सीधे सीधे। आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन और आर्सेनिक को कंज्यूम करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ह्यूमन बॉडी को, वो भी ज़रा देखते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को वीक करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को वीक करता है, हमारे रीनल सिस्टम को यानी कि किडनी और में कैंसर कर सकता है, स्किन कैंसर कर सकता है ये आर्सेनिक। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस में छोटे बच्चों पर असर करता है, उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज कर सकता है, उसको स्किन कैंसर कर सकता है, उसके बर्थ वेट को कम कर सकता है। सो दी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप देखो, ये
रियल पिक्चर है जहाँ पे आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन के कारण लोगों का स्किन किस तरीके से डैमेज हो जाता है। और आप जाकर के रूरल एरियाज में देखोगे तो कई सारे लोगों के हाथों पे इस तरह के छोटे 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 इम्पैक्ट्स दिखेंगे आसाम के अंदर बिकॉज ऑफ आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन। वहाँ के लोग सीधा सीधा कुएँ का पानी निकाल करके उसका इस्तेमाल कर लेते हैं नहाने के लिए या किसी और डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, और उन सब में आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। और उस कारण से उनको देखेंगे कि आप स्किन धीरे धीरे इस तरह से ख़राब होने लगती है एंड इट कैन अल्टीमेटली लीड टू स्किन कैंसर एज वेल। आसाम के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, और इस कारण से ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है अगर इसको स्केल अप किया गया तो। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इन आवर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पीडी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग एपीएससी टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 301 to 303। टॉपिक नंबर 301 इज अबाउट IMT ट्राइलेटरल हाईवे। दिस विल कनेक्ट मोरे इन मणिपुर टू मायसॉट इन थाईलैंड। द रोड विल मूव फ्रॉम टू इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ म्यांमार, मांडले एंड यंगून। इंडिया इज अंडरटेकिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोरे तामू चेक पोस्ट अंडर दिस IMT ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। मोरे इज ऑन द इंडियन साइड इन मणिपुर वाइल तामू इज इन म्यांमार। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 301। टॉपिक नंबर 302 इज अबाउट कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इट इज अ मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द स्टेट ऑफ मिजोरम विद कलकत्ता पोर्ट वाया म्यांमार। इट इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। द प्रोजेक्ट हैज 3 डिफरेंट स्ट्रेचेज शिपिंग दैट विल बी फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू सिथुए पोर्ट अक्रॉस बे ऑफ बंगाल। यू सी दिस सिटिंग शिपिंग इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्रॉम सिथुए पोर्ट टू पलेटुआ थ्रू कालादान रिवर। यू सी दिस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑन कालादान रिवर एंड देन रोड स्ट्रेचेज फ्रॉम पलेटुआ इन म्यांमार टू लॉन्गत्राई इन मिजोरम इंडिया। एंड दिस प्रोजेक्ट विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता टू मिजोरम बाई अबाउट 1000 किलोमीटर एंड कट डाउन द ट्रैवलिंग टाइम टू 3 to 4 days फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। और ये जो लॉन्ग तई है दैट विल गो एंड कनेक्ट विद द नेशनल हाईवे नंबर 306 एंड विद दिस इट विल गेट कनेक्टेड टू इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ आसाम। तो इस तरीके से ये जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द कनेक्टिविटी ऑफ द ईस्टर्न इंडिया स्पेशली द कोलकाता पोर्ट विथ रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 302। टॉपिक नंबर 303 इज अबाउट पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012। चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू द पॉक्सो एक्ट आर डिफाइंड एज दोज इंडिविजुअल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। द एक्ट इज जनरल न्यूट्रल दैट मीन्स इट लुक्स इन टू सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट बोथ माइनर बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। इट इज नॉट लिमिटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स और इंक्लूड्स चिल्ड्रेन engaged in pornography. It has also defined aggravated crime when the child is mentally ill and also when the abuse is committed by the person of position such as person of position of trust such as doctor, teacher, policeman, family member. अगर इस तरह के लोग sexual assault करते हैं किसी भी child का तो उसको aggravated crime माना जाएगा और उनको ज़्यादा बड़ी सजा दी जाएगी। Investigation process has to be as much child friendly as possible. POCSO e-box has been also created for online complaint and in POCSO Act there can be a punishment up to death sentence. Please attempt this question based on topic number 303. This is the answer of question number 298 to 300 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. Kal jo humne practice question diya tha uska ek bar answer dekh lete hain. First question regarding National Family Health Survey number 5. Highest number of anemic men and women are found in Assam. This statement is wrong. Highest number of anemic men and women are in वेस्ट बंगाल। आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ था एनेमिक वुमेन के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4। एंड हाइएस्ट नंबर ऑफ एनेमिक चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड इन गुजरात अंडर एज ऑफ 5। दिस स्टेटमेंट इज राइट सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ सेकंड आसाम साहित्य सभा। द आंसर इज चंद्रधर बरुआ। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।